चालू किया था कल, हम लोग ने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में देखा था, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ने सबसे कॉमन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये क्या था, लाइट था। ओके, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है ये किसके फॉर्म में रहता है, वेव के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है, वेव के फॉर्म में रहता है। ओके, यहां तक तो सबको क्लियर था। आज हम लोग देखेंगे, पहले चीज हम लोग देखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट देखेंगे। ये जरा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन अगर ये आप समझ गए तो बहुत मतलब आपको फायदा होगा, मतलब सिर्फ इसमें ही नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, मॉडर्न फिजिक्स में। तो जो ड्यूअल नेचर है इसका मतलब क्या है, देखो दो टाइप के नेचर रहते हैं, एक क्या है पार्टिकल नेचर रहता है और दूसरा रहता है वेव नेचर। तो ये जो लाइट है, ओके, ये जो लाइट है ये क्या करता है, पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करता है और वेव नेचर। अभी इसका क्या मतलब है कि आप जो लाइट देखते हो, ठीक है, आप जो नॉर्मल लाइट देखते हो ये एज अ वेव भी काम करता है और एज अ पार्टिकल दोनों के तरफ काम करता है। तो ये आपको कौन सा टॉपिक में हेल्प करेगा, क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बारे में सुना है किसी ने? ओके, तो ये बेसिकली हम लोग इसके बारे में पूरा इसमें सीखने वाले, क्वांटम मैकेनिक्स। एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आप बस थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। अभी क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली क्या बता रहा है, देखो एक सिंपल, अभी हर जो चीज है नेचर में, हर जो चीज, जैसे कि हम लोग का जो कंप्यूटर्स भी रहता है, कंप्यूटर्स किस पे चलता है, ऑन मतलब 1 0 मतलब बाइनरी सिस्टम पे चलता है। ये आइदर ऑन रहेगा या फिर ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अभी जो क्वांटम कंप्यूटर्स रहते हैं आपका, हेलो प्रियांश, ये जो क्वांटम कंप्यूटर रहता है ये क्या रहता है, 1 और 0 एक साथ रहता है। लॉजिक समझ रहे? देखो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, पहले चीज ये समझो क्या रहता है, 1 0 मतलब पार्टिकल समझो 1 है, वेव समझो 0 है, मतलब हर एक चीज नेचर में सिर्फ एक ही फॉर्म में एक टाइम में रह सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या बता रहा है कि दोनों कंबाइन होके एक ही बनता है, मतलब लाइट जो है ये हर एक टाइम में एक पार्टिकल और वेव दोनों कंबाइन नेचर बता रहा है। पहले चीज ड्यूअल नेचर समझा, ड्यूअल नेचर क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का ये बेसिक फंडामेंटल समझा कि दोनों जो स्टेट से ये एक ही साथ स्टार्ट होता है। ओके, एक बेसिक आइडिया मिला क्या रहता है करके, पक्का? तो अभी हम लोग देखेंगे पहले वेव नेचर देखेंगे, क्योंकि हम लोग को जो टॉपिक है ये वेव नेचर, ये हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स में पूरा आने वाला है। तो पहले वेव नेचर देखेंगे। तो वेव नेचर ज्यादा डिटेल में नहीं है, तो ये आपको मैं सिर्फ दो लाइन में समझा देता हूं। अभी वेव नेचर मतलब क्या, हम लोग ने ईएम रेडिएशन देखा था कि लाइट कैसे ट्रैवल करता है, एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ये हम लोग ने कल देखा था। ओके, लाइट क्या करता है, एक वेव का फॉर्म में ट्रैवल करता है, ये हम लोग ने कल देखा था। तो यहां पे मैं जरा पहला फिनोमेना बताता हूं। पहला फिनोमेना रहता है इंटरफियरेंस। अब ये इंटरफियरेंस आपने ज्यादा करके देखा ही नहीं रहेगा रियल लाइफ में, तो मैं जस्ट इसका जस्ट एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं। देखो अगर सपोज आपने क्या किया, एक पॉन्ड है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल एक वाटर का सरफेस है, इसमें क्या किया, एक स्टोन ड्रॉप किया, क्या होएगा, एक स्टोन ड्रॉप किया तो क्या होएगा, क्या फॉर्म होएगा, वेव्स फॉर्म होएगा। तो मतलब ये वेव्स, हाँ बराबर, ये वेव्स कुछ ऐसे जाएगा सर्कल केस में, राइट, ये भी आपने देखा रहेगा। लेकिन अगर इसके साइड में और एक पेबल डाला, तो ये दो जो वेव्स है ये क्या होएगा, क्या
क्या होएगा, दोनों वेव्स क्या होएगा, कोलाइड होएगा, राइट, हाँ, टकराएंगे एक दूसरे से। तो अगर मेरे को ये सपोज एक ग्राफ के फॉर्म में बताना है, ठीक है, अगर ये सपोज मेरे को एक ग्राफ के फॉर्म में बताना, तो मैं कैसे बताऊंगा, देखो ये जो पहला जो सोर्स है, मतलब ये जो पहला जो सबसे अंदर का पॉइंट है, इसको समझो स्टोन वन पकड़ो, चलो स्टोन वन, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको पकड़ो स्टोन टू, क्लियर है, एक स्टोन वन और एक स्टोन टू। स्टोन वन कैसे एक्ट कर रहा है, एक लाइट सोर्स जैसा एक्ट कर रहा है, अभी के लिए ऐसे समझो एक लाइट सोर्स जैसा एक्ट कर रहा है, और ये भी स्टोन कैसे, एक लाइट सोर्स जैसे एक्ट कर रहा है, ओके, ये पहली चीज समझा सबको, ओके। दूसरा चीज आपको समझ रहा क्या है कि अभी जो ये वेव्स है ये सारे डायरेक्शन में जा रहा है ना, पूरा एक सर्कल में जा रहा है, तो इसका मतलब लाइट सोर्स हमेशा एक सर्कल में ट्रैवल करता है, लॉजिक समझा, पहला दो स्टेटमेंट समझा सबको, लाइट वेव्स जो है किसमें ट्रैवल करता है, सर्कल में ट्रैवल करता है, मतलब ऑल थ्रू आउट ट्रैवल करता है, मतलब पूरे बोर्ड, अगर सपोज मैंने सेंटर में बनाया, ये सर्कल के फॉर्म में एक्सपांड होके पूरे बोर्ड में फैलेगा, ये पहला लॉजिक सबको समझा, राइट, ओके, चल अभी मैं इसको एक ग्राफ के फॉर्म में बता दूं, चलो अभी ये जो है स्टोन वन, चलो ये कुछ ट्रैवल कर रहा है ऐसे, चलो ये मैं समझाता हूं ये ग्राफ भी एग्जैक्ट क्या है, ओके, ये जो पॉइंट है ऐसे समझो कि ये वेव का सबसे ऊपर का पार्ट है, मतलब सबसे वेव का सबसे ऊपर का पार्ट समझ रहे ना आपको, वेव फॉर्म होता है तो एक ऊपर रहता है और एक नीचे रहता है, तो ये वेव का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट रहेगा, तो ये क्या रहेगा, वेव का सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट रहेगा, ये लॉजिक समझ रहा है, ओके। इसके नीचे मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंड जो लाइट सोर्स है उसको प्रोड्यूस कर रहा हूं, सेकेंड जो लाइट सोर्स, चलो ये भी इधर से स्टार्ट हो गया, ओके, जरा एक सेकेंड, ओके, ये क्लियर है सबको, दो लाइट सोर्स बना है, एक स्टोन वन का लाइट सोर्स और एक स्टोन टू का लाइट सोर्स, दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहा है, एक साथ खत्म हो रहा है, यहां पे क्या होएगा, यहां पे होएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, ये दोनों जो वेव्स है एड होके एक बड़ा वेव बनाएगा, लॉजिक समझ रहे, यहां पे दोनों एक साथ स्टार्ट हुआ, एक साथ एंड हुआ, यहां पे दोनों वेव्स क्या करेंगे, एक साथ ज्वाइन होके क्या करेंगे, एक बड़ा एक वेव बनाएंगे, तो सपोज इसका मैग्नीट्यूड है टू, सपोज इसका मैग्नीट्यूड है टू, इसका मैग्नीट्यूड है थ्री, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होएगा, ये दो वेव्स ज्वाइन होके कितना का वेव बनाएगा, फाइव, लॉजिक समझ रहे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, दोनों वेव्स एक साथ ज्वाइन होएंगे, एक साथ खत्म होएंगे, यहां तक क्लियर सबको, तो पहले यहां पे कंस्ट्रक्टिव लिखो, यहां पे लाइट सोर्स वन लिखो, लाइट सोर्स टू लिखो, और एग्जैक्टली इसके नीचे साइड पे क्या लिखोगे, रिजल्टेंट लिखो, इसके एग्जैक्ट नीचे ये रिजल्टेंट बना, और रिजल्टेंट पे क्या लो, फाइन, वैसे मैं आपको डिस्ट्रक्टिव समझाता हूं क्या रहता है, हाँ मेरा अपने कहा, हेलो प्रिया सोया नहीं क्या, वही जी सीओडी सब खेलता लग रहा है, इसमें चुपचाप पढ़ाई करता है, इसमें कोई बोलने का नहीं, तुम लोगों को बताता नहीं हो, चुपचाप करता हो सब, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव। अभी मैं आपको इधर ज्यादा ध्यान दो, ये डिस्ट्रक्टिव पे ज्यादा ध्यान दो, अभी
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है। सपोज मैंने एक वेव यहां पे बनाया और ये वेव चालू हो रहा है ऊपर की तरफ, यहां पे मैंने एक दूसरा वेव बनाया, ये वेव चालू हो रहा है नीचे से। अभी यहां पे क्या होएगा, सपोज इसका वैल्यू, सपोज चलो हम लोग 3 लेते समझने के लिए, इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे -2, क्योंकि ये कहां की तरफ है, नीचे की तरफ। यहां पे क्या रहेगा 3, यहां सॉरी -3 रहेगा, यहां पे क्या रहेगा +2 रहेगा, सेम यहां पे -2 यहां पे। तो अभी जब ये दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो क्या होएगा, वेव बड़ा होएगा कि वेव छोटा होएगा, छोटा होएगा। मतलब इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा, देखो बहुत ज्यादा छोटा बना, तो यहां पे रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा 1 -1 और 1। हाँ बोलो ना। अरे देखो ये 3 है, ये किधर, नीचे की तरफ है ना, नेगेटिव है ना, तो रिजल्टेंट लेते तो कैसे ऐड करते ना, तो 3 -2 कितना 1 है ना। हाँ तो पहले ये जरा लिख लो, मैं आपको फिर समझाता एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अरे यार कि अभी मैं इतना एरिया में बनाने का ट्राई करता हूं, आप जरा इधर सिर्फ लिखना डिस्ट्रक्टिव, यहां पे लाइट सोर्स 1 लाइट सोर्स 2, यहां पे रिजल्टेंट ले लेना। और मैं समझाता हूं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हम लोग ने एक वेव के हिस्से बना, लाइट में एग्जैक्टली क्या होता है मैं समझ, हाँ सुबह बोलो। हाँ यहाँ पे भी रिजल्टेंट लिखो और ये डिस्ट्रक्टेड लाइट सोर्स 1 लाइट सोर्स 2 ले। अब ये समझाता हूँ क्या है एग्जैक्टली, क्या हो रहा है, क्या वो समझ। आई होप ये बना के हुआ रहेगा। हेलो प्रियांश, कुछ बना रहे हो क्या? वाओ प्रियांश ने अपना ऐप चेंज कर दिया। कुछ नहीं कुछ नहीं, लिखा क्या आपने, आवाज नहीं आ रहा आपका। चलो अभी ये इंटरफेरेंस एक्चुअली रहता क्या है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्या बोला मैंने, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ये जरा लिख लेना, तो क्या होता है, ब्राइट होता है। मतलब दो लाइट सोर्सेस जब ऐड होएंगे और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होएगा, तब लाइट क्या होएगा, ब्राइट होएगा। मतलब उसका इंटेंसिटी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। ठीक है, तो साइड पे लिखो इंटेंसिटी इंक्रीजेस। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो लाइट क्या होता है, डार्क होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका इंटेंसिटी क्या हो रहा है, उसका इंटेंसिटी हो रहा है कम। तो जो लाइट सोर्स, जब क्या होता है, जब दो लाइट सोर्सेस को हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो क्या पैटर्न बनता, मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पे मैं एक लाइट सोर्स रखता हूं, यहां पे एक लाइट सोर्स रखता हूं, ये लाइट सोर्स एमिट करेगा, ये अपना लाइट वेव्स एमिट करेगा, तो यहां पे एक पैटर्न फॉर्म होता है। तो ये पैटर्न कैसे रहेगा, सेंटर में रहेगा एक ब्राइट बैंड, इधर आएगा एक डार्क, ब्राइट डार्क, वैसे इसके नीचे क्या आएगा, डार्क ब्राइट डार्क। तो इधर एक पैटर्न फॉर्म होएगा,
जहां पे ब्राइट लाइट लेगा वहां पे लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा, डार्क रहेगा वहां पे इंटेंसिटी कुछ नहीं रहेगा, यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा। ये जो डार्क है इस पे इंटेंसिटी क्या रहेगा, यहां पे इंटेंसिटी विल बी लेस। इंटेंसिटी लेस का मतलब समझ रहे हो ना आपको, जैसे कि आपका जो ट्यूबलाइट है अगर मैंने इसको पूरा कवर करके रखा तो इसका इंटेंसिटी क्या होएगा, कम होएगा ना, और अगर मैंने क्या किया उसका पावर बढ़ा दिया तो क्या होएगा, ब्राइट आएगा लाइट, तो उसका वही मतलब इंटेंसिटी का। तो ये रहेगा सोर्स वन, ये रहेगा सोर्स टू, और ये रहेगा हम लोग का इंटरफियरेंस पैटर्न। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये रहता है डाइफ्रैक्शन। अभी डाइफ्रैक्शन को ज्यादा डिटेल में मत समझो कि उसका कुछ काम नहीं अभी के लिए, बस क्या है एग्जैक्टली मैं समझाता हूं। देखो सपोज हम लोग का एक लाइट सोर्स है, मतलब ये हम लोग क्या रहेगा, एक सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां, एक शार्प ऑब्जेक्ट रखा है जिसका एजेस बहुत शार्प है, और अगर मैंने यहां पे एक लाइट सोर्स रखा तो जैसे ही लाइट रेस यहां पे हिट करेगा ये क्या होएगा, थोड़ा बेंड होएगा। लाइट रेस जैसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट को हिट करता है ये क्या होता है, बेंड होता है। ये लाइट रेस जब कोई शार्प ऑब्जेक्ट के मीट करता है ये क्या होता है, बेंडिंग होता है। अभी आपको इस पे डिटेल में नहीं जाना है, बस ये समझो इसको बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। Bending of light at the edges of an object is known as diffraction. अभी के लिए बस इतना समझो, जब हम लोग रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स करेंगे तभी हम लोग डाइफ्रैक्शन बहुत डिटेल में करेंगे। डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, यहां पे लिखो लाइट बेंड्स एट द एजेस। अपना मेन यहां पे क्या है, मेन है पार्टिकल नेचर का एक एक प्रॉपर्टी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इतना मतलब हार्ड नहीं, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी वेव नेचर के बारे में पढ़ा है, ईएम वेव्स का जो डायग्राम था उससे अपने को समझता है कि लाइट को वेव नेचर है, तो ये सब समझ के कुछ मतलब नहीं है इसमें, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आई होप डाइफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस का एक थोड़ा बहुत आइडिया है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट लाइट आता है, डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, इंटेंसिटी कम होता है। फिर नेक्स्ट डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट बेंड होता है एजेस के यहां पे। हेलो प्रियांश, हाँ चलो अभी नेक्स्ट वाला क्या है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं पार्टिकल नेचर। अभी बहुत सिंपल है, आपको बस मैं एक एक कंसेप्ट जरा एक एक करके धीरे धीरे समझाता हूं। चलो हम लोग ने वेव नेचर किया, अभी पार्टिकल नेचर। तो पहले आपको एक इंटरेस्टिंग चीज से पहले ये समझाता हूं। देखो हर एक पार्टिकल जो रहता है ये तीन चीजें करता है। एक क्या है, ये एमिट करता है, एमिट का मतलब समझ रहे ना, ये कुछ तो बाहर के तरफ देगा। एमिट मतलब क्या, ये एमिट क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। हर एक ऑब्जेक्ट जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स मिलता है ये करता है एक अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या करता है, एमिट करता है। एमिट का मतलब क्या, कहां पे जाएगा, ये बाहर के तरफ जाएगा। फिर एक और चीज करता है वो है अब्सॉर्प्शन, मतलब अब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है, लाइट रे जो भी आ रहा है ये उसको क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। यहां तक सबको समझा, एक होता है एमिट, दूसरा होता है अब्सॉर्ब, तीसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, सपोज एक लाइट रे यहां पे हिट कर रहा है, क्या हो रहा है ये कोई बता सकता है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट। तो ये जो तीसरा जो फिनोमिना है
ये क्या रहता है? रिफ्लेक्शन। तो हम लोग जरा ये तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहले समझा ना, लाइट रेस क्या होता है? एमिट होता है। कोई कोई लाइट रेस क्या होएगा? अब्सॉर्ब होएगा। कोई कोई लाइट रेस क्या होएगा? रिफ्लेक्शन होएगा। अब ये समझाता हूं आपको क्या है एग्जैक्टली। पहले हम लोग ये एमिशन का पढ़ेंगे, फिर ये अब्सॉर्प्शन का एक इंटरेस्टिंग चीज आपको समझा देता हूं, और फिर रिफ्लेक्शन। चलो अभी एमिशन, अभी ये एमिशन हम लोग सबसे स्टार्टिंग में करेंगे। ये आपने एक, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझा था। आपने कभी कोई मेटल को एकदम ज्यादा हीट होते हुए देखा है? एक सपोज एक आयन का ब्लॉक है, चलो एक आयन का ब्लॉक है, चलो आयन का ब्लॉक, इसको मैंने क्या किया? एकदम ज्यादा हीट किया, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा किया। तो क्या होता है कोई बता सकता है? इसका कलर में क्या चेंज आएगा, क्या होएगा? ये रेडिश कलर होएगा, ठीक है? ये क्या होएगा? थोड़ा रेडिश कलर होएगा। हाँ, मेल्ट बाद में होएगा, पहले रेडिश कलर होएगा। इसके पहले इसका कलर क्या था? इसके पहले इसका कलर क्या था? कुछ सिल्वर कलर रहेगा, ओके? कुछ क्या रहेगा? थोड़ा सिल्वरिश कलर रहेगा। जैसे इसको मैं क्या कर रहा हूं? बहुत ज्यादा हीट कर रहा हूं, इसका कलर क्या हो रहा है? रेडिश हो रहा है, ओके? अब ये रेडिश होने का मतलब क्या? मतलब ये है कि ये जो आयन ब्लॉक है, ये क्या कर रहा है? बहुत सारा रेडिएशन एमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? बहुत सारा रेडिएशन क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। पहले लॉजिक ये समझा, ओके? हम लोग को कौन सा कलर दिखेगा? जिसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगा। हम लोग को कौन सा कलर दिखेगा? जिसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगा। ये लॉजिक समझा। पहली चीज ये समझो, जब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट करता हूं तो वो क्या करेगा? रेडिएशंस एमिट करते रहेगा, रेडिएशंस एमिट करते रहेगा। हम लोग को कौन सा रेडिएशन दिखेगा? जिसका इंटेंसिटी क्या है? क्या है? बहुत ज्यादा है, ओके? लॉजिक समझा। अभी इसको मैं, ये जो आयन ब्लॉक है, चलो इसका मैं टेम्परेचर लेता हूं 2000 डिग्री सेल्सियस। मैं क्या करता हूं? इसको और ज्यादा हीट करता हूं, मतलब इसको और ज्यादा हीट करता हूं, 3000 तक जाता हूं। 3000 पे जाने पे ये जो आयन ब्लॉक या फिर जो मेटल है, इसका कलर क्या हो जाता है? इसका कलर हो जाता है ब्लू कलर। अभी ये जरा समझाता हूं क्या है एग्जैक्टली। ब्लू कलर हो जाता है। आपने कभी कोई ऑब्जेक्ट को वेल्ड होते हुए देखा है, वेल्डिंग करते हुए देखा है? वेल्डिंग में जो होता है फ्लेम आपने देखा है कौन से कलर का रहता है? उसका कलर क्या रहता है? ब्लू कलर रहता है ना, नोटिस किया है? तो वो ब्लू कलर का टेम्परेचर कितना है? 3000 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि जो वेल्डिंग का जो फ्लेम है उसमें किसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, कौन से वेवलेंथ का इंटेंसिटी ज्यादा है? ब्लू लाइट का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम लोग को सिर्फ ब्लू कलर दिखता है और कोई कलर नहीं दिखता है। लॉजिक समझ रहे सबको? चल अभी अभी मैं इसको क्या करता हूं, एक ग्राफ के इसमें प्लॉट करता हूं, ठीक है? एक ग्राफ के थ्रू देखो, मैं इसको एक समझ लो, इसको मैंने अगर 3000 डिग्री तक हीट किया तो कलर क्या होता है? उसका ब्लू कलर होने चालू होता है। आपने ये नोटिस नहीं किया रहेगा क्योंकि आप लोग ने क्या सीखा है कि आयन का मेल्टिंग पॉइंट इज हाउ मच? 2500। आप लोग ने उतना तक ही सीखा है, उसके बाद क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ये 3000 तक भी हीट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन में, लेकिन आप लोग ने वो देखा नहीं करके मैंने किसका एग्जाम्पल दिया? वेल्डिंग का एग्जाम्पल दिया, ओके? ओके, तो मैं यहां पे, चलो ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं।
चलो यहां पे मैं क्या लेता हूं, एक सेकेंड, यहां पे मैं क्या लेता हूं, सारे वेवलेंथ्स लेता हूं, और यहां पे मैं क्या लेता हूं, इंटेंसिटी। यहां पे मैं सारे वेवलेंथ्स प्लॉट करता हूं। आपको मालूम है सबसे ज्यादा किसका, किधर से किधर विजिबल लाइट किधर से चालू होता है, कितना वेवलेंथ है, 400 to 700। चलो तो हम लोग क्या करते, 400, 500, 600, 700। ओके, तो हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट में यहां पे जरा ये ग्राफ आपको समझाता, ओके, ये जरा समझा देता हूं। मैं यहां पे टेम्परेचर वन रख रहा हूं। टेम्परेचर वन मतलब क्या, 2000 डिग्री सेल्सियस। अभी यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है, मतलब कलर चेंज होते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके कलर चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पे हो रहा है, रेड कलर पे हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग को 2000 डिग्रीज पे कौन सा कलर दिखता है, रेड कलर अब्सॉर्ब होता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम रहता है। इसीलिए अभी मैं क्या करता हूं, ये फर्स्ट वाला डायग्राम बनाता हूं। फर्स्ट वाले में डायग्राम कुछ कैसे दिखेगा, यहां पे एग्जैक्ट जीरो नहीं हो रहा है, मैं इसका भी रीजन समझा देता हूं। देखो यहां पे आपको नोटिस क्या हो रहा है, यहां पे आपको नोटिस हो रहा है ये टेम्परेचर T2 है, वेवलेंथ क्या है 500, मतलब ये कौन सा कलर एमिट करेगा, ब्लू कलर, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है, थोड़ा कम। लॉजिक समझ रहा है? अभी एक और चीज आपको एक ग्राफ में समझेगा कि ये जो पॉइंट है ये कभी जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली एक छोटा एक वैल्यू देते रहेगा इंटेंसिटी का। लेकिन क्या ये इंटेंसिटी हम लोग को दिखेगा, रीजन क्या रहेगा, नहीं, रीजन कोई बता सकता है, हम लोग को ये एंड का वेव्स क्यों नहीं दिखाई देता है, सिर्फ इधर तक क्यों दिखाई देता है, सोचा इसके बारे में क्या रहेगा रीजन। देखो यहां तक क्या है, विजिबल लाइट है ना, विजिबल लाइट का मतलब क्या है, जो हम लोग को दिखता है, इसके बाद का कोई लाइट दिखेगा हम लोग को, वैसे ही ये 400 के पहले, ये 400 के पहले लाइट दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा, तो वही हो रहा है, मतलब ये जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं हीट करेगा, ये सारे वेवलेंथ एमिट करेगा, सब वेवलेंथ एमिट करें सारे, लेकिन हम लोग को कौन सा कलर्स दिखेगा, हम लोग को दिखेगा वायलेट से लेके कितना तक, सिर्फ रेड तक दिखेगा। ओके, लॉजिक समझाइए। अभी ये जो प्रॉपर्टी है ये हम लोग यूज किसमें करते हैं, स्टार्स का टेम्परेचर नोट डाउन करने, मतलब स्टार्स पे तो जाके आप क्या थर्मोमीटर तो नहीं लगा पाओगे, तो इसीलिए स्टार्स का दो टाइप का कलर रहता है, एक रहता है ब्लू कलर रहता है, ब्लू कलर का स्टार रहता है, और एक रेड कलर का स्टार रहता है। इसमें आप बता सकते हो कौन सा स्टार का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ब्लू का रहेगा। देखो अभी हम लोग ने देखा था ना, ब्लू कलर कब एमिट करता है, जब वेवलेंथ सॉरी टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है तब, तो मतलब ब्लू कलर का कोई स्टार रहेगा इसका मतलब क्या, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, रेड कलर का रहेगा उसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत लो है। सन का कलर क्या है, सन का कलर इज येलो, मतलब ये दोनों के एग्जैक्टली क्या आता है, बीच में आता है। आप ये रेड कलर और ये ब्लू कलर से क्या समझ सकते हो, स्टार का एज समझ सकते हो, स्टार का एज। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज ये स्टार जो है रेड कलर है, रेड कलर का मतलब क्या है कि ये जो स्टार है क्या है, बहुत यंग है,
मतलब ये अपना एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। लेकिन स्टार का कलर अगर ब्लू रहेगा तो इसका मतलब क्या है, ये अपने डाइंग स्टेज है, मतलब मरने वाले स्टेज पे है। ठीक है, तो ये एक और जस्ट एडिशनल नॉलेज देने का था। अभी जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ये रहता है ब्लैक बॉडी एमिशन। अभी ब्लैक बॉडी एमिशन करने के पहले आपको पहले मैं एक इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग ने ये 10th में सीखा रहेगा, जब लाइट रे एक प्रिज्म में हिट करता है तो क्या होता है, क्या होता है, डिस्पर्शन होता है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन। मेन क्या है, डिस्पर्शन होता है, क्योंकि मेरे को डिस्पर्शन से मतलब है। अभी क्या होता है, डिस्पर्शन होता है। सबसे ऊपर कौन सा लाइट रहेगा, एक नंबर, कौन है वो, रेड क्या रहेगा, सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए रेड सबसे ऊपर रहेगा और वायलेट सबसे नीचे रहेगा। ओके, तो यहां पे आपको एक और चीज मालूम है, ये क्या करेगा, 7 कलर्स क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ये भी आपको मालूम है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो एक और कलर, चलो चलो ये हो गया। अभी ये तो आप लोग ने सीखा रहेगा पिछले साल, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं। अभी सपोज मैंने क्या किया, यहां पे एक मटेरियल रखा, चलो एक मटेरियल रखा, तो मटेरियल क्या करेगा, ये जो मटेरियल है ये क्या करेगा, सर्टेन जो चीजें है इसको क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। ये मटेरियल करेगा क्या, लाइट को अब्सॉर्ब करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये सिर्फ स्पेसिफिक लाइट को अब्सॉर्ब करेगा। ये क्या करेगा, सिर्फ एक स्पेसिफिक लाइट को अब्सॉर्ब करेगा। तो यहां पे क्या होएगा मालूम है क्या, यहां पे जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, ओके, यहां पे जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, इसमें कोई कोई रीजन्स क्या रहेंगे, इसमें कोई कोई रीजन्स क्या रहेंगे, ब्लैक रहेंगे। इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, हेलो सुना जरा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो लाइट रे है ये क्या करेगा, सर्टेन जो कलर से उसको क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। इसीलिए क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है। ये लॉजिक समझा, देखो वापस समझाता हूं। देखो पहले क्या हो रहा था, पहले कोई मटेरियल नहीं था, मटेरियल नहीं रहने के कारण सारे कलर्स आ रहे थे। यहां पे क्या कर रहा हूं, एक स्पेसिफिक मटेरियल लगा रहा हूं, ये स्पेसिफिक मटेरियल क्या करेगा, सर्टेन जो लाइट रेस उसको क्या करेगा, सर्टेन लाइट का वेवलेंथ को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। अब्सॉर्ब करने से क्या होएगा, यहां पे कलर नोटिस नहीं होगा, लेकिन ब्लैक कलर नोटिस होगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट ने क्या किया, सपोज ये रहता है अपना, मैं जरा ये समझा देता, सपोज ये रहेगा हम लोग का स्पेक्ट्रम, ठीक है, यहां पे रेड, रेड क्या था, विब्योर, ओके। तो अभी यहां पे क्या हो रहा है, पहले हम लोग को नॉर्मल लाइट रे में ये पूरा कलर्स दिखेगा, क्लियरली दिखेगा, लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं ये क्या करेगा, सर्टेन कलर्स को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। मतलब क्या, यहां पे ये जो पैच है, यहां पे हम लोग क्या मिलेगा, ब्लैक कलर मिलेगा। ये ब्लैक कलर का मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसने येलो कलर का जो वेवलेंथ उसको क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया, और रेड ऑरेंज ग्रीन इंडिगो वायलेट इसको क्या कर दिया, एमिट कर दिया या फिर रिफ्लेक्ट कर दिया। लॉजिक समझ रहे, यही सेम हम लोग कहां पे यूज करते हैं, हम लोग को फोटो का नेगेटिव बनाने के लिए। फोटो का नेगेटिव मालूम है ना, नेगेटिव फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, हाँ,
तो उसमें यही प्रिंसिपल यूज होता है, जरा बराबर समझ लेना। अभी यहां पे सब लोग का ध्यान है, यहां पे सब लोग कैमरा ऑन करो, सब लोग कैमरा ऑन करो प्लीज, कैमरा ऑन करो। वरुण, स्मिथ, कार्तिक, आर्यन, दीपक, सबका नाम बोलना पड़ता है क्या? तो हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट का, सपोज देखो कोई ऑब्जेक्ट का सपोज कलर है, सपोज एक ऑब्जेक्ट का कलर है, सपोज सपोज एक ऑब्जेक्ट का कलर है, सपोज रेड कलर है। ये रेड कलर का मतलब क्या, मतलब ऑब्जेक्ट रेड कलर क्यों दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसने सारे कलर्स को क्या किए हैं, अब्सॉर्ब किए हैं सिर्फ रेड को छोड़ के। लॉजिक समझ रहा, मतलब इसने क्या किया, स्पेक्ट्रम का सारा कलर्स को क्या किया है, अब्सॉर्ब किया है। और ये कौन सा कलर दिखा रहा है, ये सिर्फ रेड कलर दिखा रहा है। इसका और एक मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर ब्लू रहेगा इसका मतलब क्या रहेगा, हाँ सिर्फ ब्लू छोड़ के, ब्लू छोड़ के बाकी सब कलर्स क्या हो गया, ऑब्जॉर्ब हो गया। लॉजिक समझ रहे सबको, इसका मतलब समझ रहे? ओके, तो अभी मेरे को बता सकते हो एक ऑब्जेक्ट ब्लैक क्यों रहेगा, एक ऑब्जेक्ट ब्लैक कब रहेगा, हाँ सारे कलर जब ऑब्जॉर्ब किए हैं तब। तो ये एक फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर ब्लैक बॉडी एमिशन। कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक रहेगा, कोई भी ब्लैक ऑब्जेक्ट रहेगा, वो क्या करता है, वो सारे जो है, सारे जो एमिशन से उसको क्या कर लेगा, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। ओके, तो ब्लैक बॉडी एक एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, कोल दे सकते हो या फिर लैंप बैट या फिर काजल। ओके, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लैक बॉडी है। अभी नेचर में ऐसा कोई भी सब्सटेंस आपको नहीं मिलेगा जो सारे वेवलेंथ्स को अब्सॉर्ब करेगा, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो है लैंप बैट, ये एटलीस्ट 99.9 मतलब 95% एमिशंस को अब्सॉर्ब करता है। तो इसका और एक एक मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेगा, इसका मतलब क्या रहेगा, ये ज्यादा ब्लैक रहेगा। लॉजिक समझ रहे सबको, ऑब्जेक्ट ब्लैक कब रहेगा, बहुत ब्लैक कब दिखेगा, जब वो ज्यादा मतलब लाइट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। अभी देखो कभी आप कोई रूम में गए बिना लाइट का, मतलब अंधेरा है रूम में, तो आपको क्या नोटिस होएगा कि रूम में आपको कोई कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन अगर आप रूम को पूरा ब्लैक पेंट करो, कर्टन वेटन लगाओ, पूरा शेड्स लगाओ, तो रूम का अंधेरा क्या होता है, और ज्यादा ब्लैक होता है। नोटिस किया आपने, वो और डार्क होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट ब्लैक होने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा एमिशंस को क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। ओके, ये लॉजिक समझा सबको। अभी मैं क्या करता हूं, ये आपको एक ग्राफ समझाता हूं, आपको एक ग्राफ का कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ये ग्राफ का जरा एक मीनिंग जरा एक समझा देता हूं क्या एक्चुअल में हो रहा था। देखो एक्सपेरिमेंटली मतलब जो हम लोग ऐसे सोचते मैथमेटिकल इक्वेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल, मतलब हम लोग जस्ट सोच रहे हैं। तो हम लोग जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किया तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा था कि ब्लैक बॉडी एक्चुअल में नहीं, सॉरी ये थियोरेटिकल है, मतलब ये प्रेडिक्ट किया गया। प्रेडिक्शन में क्या बताया गया कि ब्लैक बॉडी जो है
ये सारे ऑब्जेक्ट्स मतलब सारे इसको क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे है। देखो हम लोग ने देखा था ना इसके पहले का जो ग्राफ बना है, तो टेम्परेचर इंटेंसिटी, तो ये क्या है, ये कैलकुलेटर या फिर इसको बोल सकते हैं एक्चुअल। तो स्टार्टिंग में नोटिस करोगे देखो डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एंड में क्या हो रहा है, एंड में ऑलमोस्ट सेम है। तो साइंटिस्ट लोग ये स्टार्टिंग में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है ये समझ नहीं पाए। ओके देखो, अगर मैंने वेव नेचर में लाइट को अगर मैं वेव नेचर अज्यूम करके कोई भी सॉल्व करेगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, लेकिन एक्चुअल में ग्राफ क्या आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है। तो साइंटिस्ट ये डिफरेंस क्यों आ रहा है ये बराबर समझ नहीं पाए। तो इसीलिए लाइट वेव नेचर एमिट नहीं करता है, पार्टिकल नेचर एमिट करता है, ये अजम्पशन आने लगा। क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, ये डिफरेंस के कारण। ओके तो हम लोग अभी ब्लैक बॉडी एमिशन किया, हम लोग ने फर्स्ट वाला कौन सा टॉपिक किया था, एमिशन किया, अब्सॉर्प्शन किया। अभी हम लोग जो थर्ड टॉपिक करेंगे, ये ग्राफ बना लिया सब लोग ने, ग्राफ बना लेना, यहां पे इंटेंसिटी लिखो, हाँ कोई बात नहीं, यहां पे इंटेंसिटी लिखो, यहां पे वेवलेंथ लिखो, और यहां पे ये जो है इसको लिखो, दिस डिफरेंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर। अभी हम लोग करेंगे इसके पहले हम लोग एमिशन ऑब्जर्व, अभी रेडिएशन करेंगे, मतलब रिफ्लेक्शन या फिर रेडिएशन करेंगे। तो अभी हम लोग करेंगे पार्टिकल नेचर। अभी ये पार्टिकल नेचर है क्या, हम लोग को पहला जो अजम्पशन इससे समझ में आया कि एनर्जी जो रहता है मतलब लाइट से, मतलब चलो ये भी छोड़ो, एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, पहला अजम्पशन हम लोग का ये है कि एनर्जी क्या है ये कंटिन्यूअसली एमिट नहीं हो रहा, इज नॉट कंटिन्यूअस बट इज एमिटेड इन डिस्क्रीट पैकेजेस। Energy is not continuous but is emitted in discrete packages. इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो assumption था कि light rays क्या है, continuous है, ये क्या है, completely wrong है। Actual में light rays क्या है, ये small small packets के form में है, मतलब ये क्या है, ये continuous नहीं है लेकिन ये पैकेट के फॉर्म में आता है। अभी ये पैकेट क्या है ये मैं जरा समझाता हूं, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ओके इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है, दीज पार्टिकल्स आर नोन एज क्वांटा। क्वांटा का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट एनर्जी अवेलेबल, या फिर ऐसे समझो एक स्मॉल एनर्जी पैकेट रहेगा, सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी अवेलेबल। अभी ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कितना है, एच न्यू है, ये H को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो आपको बहुत बार आने वाला है आगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनर्जी किसके फॉर्म में रहता है, H न्यू के फॉर्म में रहता है।
और ये एच न्यू क्या है, ये एच न्यू है फोटोन। ये फोटोन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, लेकिन अभी पहले ये जरा कर लें। मतलब एनर्जी जो रहता है ये कंटिन्यूअस नहीं रहता है, ये क्या रहता है, एक पार्टिकल के फॉर्म में रहता है। ओके, अभी देखो हम लोग ने वेव नेचर भी देखा, हम लोग ने अभी पार्टिकल नेचर देखा, तो अभी पार्टिकल नेचर का थोड़ा एप्लीकेशन देखेंगे। अभी एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले चीज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे से समझ लेना। अभी ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी पैकेट्स रहेंगे ये क्या रहेगा, एक फिक्स्ड नंबर के फॉर्म में रहेगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि ये जो एच न्यू रहेगा, ये एच न्यू क्या रह सकता है, मतलब इसका मतलब क्या है, एच न्यू, एच न्यू का मतलब सिर्फ एक फोटोन, 2H nu मतलब क्या रहेगा, 2 फोटॉन्स, 3H nu मतलब कितना रहेगा, 3 फोटॉन्स। मतलब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये जो एनर्जी है इसको क्या कर रहा हूं, क्वांटाइज कर रहा हूं। क्वांटाइज मतलब क्या, इसको एक इंटीजर डाल रहा हूं, एक इंटीजर के फॉर्म में लिख रहा हूं। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो 0.1 H nu इक्वल्स 0.33 H nu, इक्वल सपोज 4.33 H nu। आप सिर्फ इसको एक होल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, 1, 2, 3। इसको आप ऐसे समझो कि आप एक स्टेयर चढ़ रहे हो, ठीक है, चलो 4-5 steps का स्टेयर है। आप जब एक जगह पे खड़े हो स्टेयर के, तो आप क्या बोलोगे, आप स्टेप 2 पे खड़े हो, यहां पे खड़े रहेंगे तो आप बोलेंगे स्टेप 4 पे खड़े हो, यहां पे रहेगा तो आप क्या बोलोगे, स्टेप 3 पे खड़े हो। लेकिन कभी आपने ऐसे सुना है क्या, स्टेप 2.5 पे खड़ा है, स्टेप 3.3 पे खड़ा है, ऐसा सुना है नहीं। तो यही सेम एनालॉजी यूज होता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी में। एनर्जी को हम लोग 1, 2, 3 ऐसे इंटीजर्स के इसमें लिखते हैं एंड नॉट इन 0.1, 0.33, 4.3। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो सबको। चलो अभी नेक्स्ट जो आता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग, आपने कुछ सुना है किधर यूज किधर होता है कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ठीक है, चलो मैं, वाह एक नंबर, कुछ भी नहीं हुआ था एक्सपेरिमेंट सही। तो देखो एक्सरे नहीं देखो हाँ बराबर, सोलर सेल में यूज होता है। तो सोलर सेल आपने सुना रहेगा, 10th स्टैंडर्ड में था आप लोग को फोटो इलेक्ट्रिक, हाँ था वही। तो सोलर सेल क्या करता है कुछ बता सकते हो, सोलर सेल कौन सा एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? बाप रे, ये कौन सा एनर्जी है, सूरज का केमिकल? हाँ, सोलर को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप लोग ने इसको ऐसे सीखा है, अभी हम लोग इसको जरा डिटेल में करेंगे। अभी जो सन से जो रेज आते हैं ये एक्चुअल में क्या है, अरे बाप रे कौन है गामा रेस, हाँ ये क्या रहता है ये क्या रहेगा, रेडिएशन रहेगा। जो भी सोलर एनर्जी, जो भी सन से जो भी आता है ये क्या रहता है, रेडिएशन रहता है। अभी इसको मैं पहले एक सिंपल एक एनालॉजी से समझाता हूं, ठीक है। चलो अभी आप क्या कर रहे हो, यहां पे
एक स्मॉल एकदम छोटा एक थर्मोकोल का टुकड़ा लेके ये पानी पे फेंक रहे हो, क्या होएगा? कुछ होएगा क्या? जरा बताओ क्या होगा अगर ये थर्मोकोल इधर आके गिरेगा, कुछ होएगा क्या? नहीं होएगा, फ्लोट होएगा। चलो मैं अभी क्या कर रहा हूं, यहां पे एक स्मॉल स्टोन रखा, स्मॉल स्टोन रखेगा तो क्या होएगा? एकदम छोटा, एकदम छोटा, देखो इतना छोटा ये स्टोन को डाले तो क्या होएगा? हाँ क्या होएगा, देखो मैं एक इसका एग्जांपल दे, इसको मैं जैसे इसको फेंका इधर, ओके तो क्या होएगा एक, हाँ बोलो, अरे पानी पानी, ओ सॉरी वाटर, मेरे को लगा समझे आप। हाँ ठीक है चलो मैं पहला ही एक समझाता, चलो आपको बड़े-बड़े वेव्स आते हैं वो बात है, लेकिन क्या होएगा ये ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ऐसे ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फॉर्म होगा, लाइक गिरेगा एक वो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है, लेकिन ये ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कितना दूर जाएगा? कुछ इतना दूर जाके वापस क्या होएगा? नीचे आए। अगर मैंने सोचो मैंने मेरे खुद को डायरेक्ट पानी के अंदर डुबा दिया, मतलब ऊपर से जंप मार के इस पे आएगा तो क्या होएगा? हाँ क्या होएगा, ये जो पानी है ये क्या होएगा उड़ के किधर आएगा? सरफेस पे आएगा ना। ओके लॉजिक क्या समझा आपको, देख जब ऑब्जेक्ट्स का छोटा रहता है तो क्या होता है ये इधर आएगा, थोड़ा पानी को उड़ाएगा, लेकिन ये पानी वापस क्या होएगा? नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने क्या किया ऑब्जेक्ट को एकदम बड़ा किया तो क्या होएगा, ये नीचे हिट करेगा और क्या होएगा ये वॉटर ड्रॉपलेट उड़ के किधर जाएगा? बाहर के तरफ। यही सेम फिनोमिना यूज होता है किधर? हम लोग के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? यहां पे वाटर के बदले अज्यूम करो यहां पे मेटल है, मेटल सरफेस है। ये जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो ये ऑब्जेक्ट के बदले क्या सोचो, ये क्या है? एक फोटोन है, एक फोटोन। फिर ये जो एनर्जी जो इसको वापस खींच रहा है, ओके ये जो एनर्जी जो इसको वापस खींच रहा है ये क्या है, कौन सा रहेगा, क्या रहेगा? ये वर्क फंक्शन रहेगा। मैं समझाता हूं सब। और ये जो एनर्जी है जिससे ये बाहर जा रहा है क्या रहेगा? इसको एक वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी रहेगा तो कौन सा एनर्जी रहेगा, क्या रहेगा? वेलोसिटी रहेगा तो कौन सा एनर्जी रहता है? वाह कौन हो, वेक्टर एनर्जी बोला, कौन हो स्मिथ? कुछ भी काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ठीक है तो ये ऑब्जेक्ट जब बाहर आएगा तो इसको क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी रहेगा। देखो वापस समझाता हूं, ये जो आप पार्टिकल्स समझ रहे हो ये जो पार्टिकल्स रहता है ये क्या है? फोटॉन्स है। ओके ये जो एनर्जी से जो इसको वापस अंदर के तरफ खींच रहा है ये क्या है? वर्क फंक्शन रहता है। ये लॉजिक समझा। और ये जो एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है वो क्या रहता है? काइनेटिक एनर्जी। यहां तक सबको क्लियर है? ओके तो अभी मैं इसको जरा यहां पे समझाता हूं क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो यहां पे ये हम लोग का क्या है? सरफेस है, मेटल सरफेस। तो मेटल्स में क्या रहता है कोई बता सकता है? मेटल्स में क्या रहेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कैसा टाइप का इलेक्ट्रॉन्स रहेगा मेटल्स में? मैंने आंसर बता दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ओके अभी यहां पे क्या होता है मैं एग्जैक्टली समझा देता हूं। चलो अभी मैं सपोज आपको बोला सोडियम, सपोज सोडियम को बोला क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने, ओके सोडियम को क्या बोला? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना। तो सोडियम का कौन सा इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेगा, अंदर का इलेक्ट्रॉन कि बाहर का इलेक्ट्रॉन? सोचो बाहर का इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है कि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसका एनर्जी क्या रहता है? सबसे ज्यादा रहता है। देखो वापस समझो, क्या बोला मैंने? सोडियम का कौन सा इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेगा? सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन।
बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि उसका एनर्जी सबसे ज्यादा रहता है। ओके, तो ये कैसे एक्ट करेगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, इसका एनर्जी ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? सोचो, ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर रहता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जैसे रहता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी क्या रहेगा, ज्यादा। तो अगर मैं, चलो इसको मैंने एनर्जी, ये इसको, चलो इसको इनर मोस्ट ऑर्बिट लिखते हैं और इसको आउटर मोस्ट। यहां पे मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं? एनर्जी प्लॉट कर रहा हूं। यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स। अभी सपोज मैंने क्या किया, यहां पे थोड़ा एनर्जी दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? यहां पे ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा मैंने एनर्जी दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? ऊपर के नीचे ऊपर जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसका एनर्जी क्या हो गया है, बढ़ गया है। ओके, लॉजिक समझ रहे? ये जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है, सबसे कम है, लेकिन जैसे उसको बाहर से एनर्जी मिलेगा, ये एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ओके, और सपोज ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाएगा, ऊपर से नीचे जाने का क्या मतलब हो सकता है? हाँ, एनर्जी कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एनर्जी क्या कर रहा है, बाहर के तरफ एमिट कर रहा है। ओके, ये बाहर अपना एनर्जी दे रहा है। लॉजिक समझ रहा है? अगर सपोज मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, तो वो कहां पे जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब एनर्जी उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना एनर्जी क्या करेगा, बाहर की तरफ देगा। ओके, लॉजिक समझा सबको? ये लॉजिक समझा? ओके, तो अभी यहां पे जरा समझो, यहां से क्या आ रहा है, एक फोटोन आ रहा है। ये फोटोन क्या है? फोटोन है एनर्जी पैकेट है। ये क्या करेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या देगा? हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, बाहर की तरफ ट्राई करेगा जाने को। ओके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, बाहर की तरफ जाने का ट्राई करेगा। लेकिन ये मेटल का जो वर्क फंक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वापस इसको क्या करेगा, नीचे के तरफ खींचेगा। देखो रीजन समझाते हैं, ये जो है इसका एनर्जी क्या है, एकदम लेस है। ये एनर्जी लेस रहने के कारण क्या होएगा, ये वर्क फंक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन बाहर के तरफ जाएगा, ये वापस किधर होएगा, मेटल के तरफ अंदर आएगा। ओके, ये फर्स्ट लॉजिक समझा? हाँ, यहां पे पहले ये वाला जरा बना लो, फिर मैं सेकंड एग्जांपल के लिए केस वन लिखता हूं। यहां हाँ बोलो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये भी डायग्राम जरा बना लेना। टॉपिक अच्छे से समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझो, अपने बहुत टाइम में समझने को, अच्छे से करो। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, तो सन का जो रेडिएशन रहेगा, ये किसके फॉर्म में रहेगा, एच न्यू के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये भी जरा लिख लिया। अभी इलेक्ट्रिकल क्या है, ये मैं जरा समझा देता हूं पहले, लेकिन फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर रहना चाहिए, इसके बाद इलेक्ट्रिकल के पार्ट में। चलो अभी सबका ध्यान यहां पे रहना चाहिए। देखो मैं केस टू एक्सप्लेन करता हूं। केस टू में क्या हो रहा है, जो आपका ये आ रहा है, सपोज आपका जो फोटोन आ रहा है, ओके, अभी इसका एनर्जी क्या है, इसका एनर्जी बहुत ज्यादा,
ऐसा समझो कि एक बहुत बड़ा मेटल या फिर एक बहुत बड़ा स्टोन को मैंने क्या किया, पानी में फेंक दिया, ठीक है। इसका एच न्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। अभी यहां पे क्या होएगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी क्या होएगा, बहुत ज्यादा रहेगा, राइट, बहुत ज्यादा एनर्जी इसको मिलेगा। और ये एनर्जी इतना ज्यादा रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होएगा, इसके वर्क फंक्शन को क्या करेगा, ओवरकम करेगा। वर्क फंक्शन को ओवरकम करेगा मतलब क्या होएगा, ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से क्या हो गया, बाहर आ गया। लॉजिक समझ रहे सबको कि इलेक्ट्रॉन वापस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, इधर ये भी लिखना, इधर वर्क फंक्शन लिखना, यहां पे लिखो वर्क फंक्शन क्या है, मोर। ये जरा बता, अभी यहां पे क्या होएगा, यहां पे वर्क फंक्शन विल बी लेस, इसीलिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आ रहा है एक फ्री इलेक्ट्रॉन। लॉजिक समझा सबको, क्लियर है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चल, जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसके लिए जरा डिटेल, हाँ ये मैं रब कर, सी ग्राफ रब कर, जगह चाहिए था मेरे को। ओके, तो ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में रहेगा तो इसका एनर्जी क्या रहेगा, सबसे ज्यादा। एनर्जी जितना अंदर रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना अंदर रहेगा उतना क्या रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। ये बस दिमाग में याद रखो, क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल में यही कंसेप्ट आने वाला है, रिएक्टिविटी और ऐसा। तो अभी यहां पे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जरा बता सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग किसमें मेजर करते हैं, कोई बता सकता है किसके फॉर्म में मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सा पैरामीटर हम लोग, कूलम नहीं बोलो, क्या रहेगा एक पैरामीटर, कूलम है, बराबर है, कूलम भी है, लेकिन एक पैरामीटर चाहिए, एम्पियर, मतलब एम्पियर किसका यूनिट है, करंट। मतलब ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हम लोग किस में मेजर करेंगे, करंट केस में। और करंट में कौन सा पार्टिकल सबसे फेमस है, कौन सा लगता है, इलेक्ट्रॉन। ओके, लॉजिक समझ रहे सबको, जैसे ही क्या होएगा, एक फोटॉन सरफेस पे हिट करेगा, क्या होएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होने से क्या होएगा, करंट प्रोड्यूस होएगा, इससे हम लोग को क्या मिलता है, सोलर एनर्जी से करंट मिलता है। लॉजिक समझा सबको ये वाला, क्योंकि ये लॉजिक नहीं समझेगा आपको आगे का कुछ नहीं समझेगा, इसके लिए बोल रहा, तो ये जरा समझ के लो, क्लियर है ये। चल, अभी आपको यहां पे और एक चीज क्या नोटिस हो रहा है कि ये जो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, कोई बता सकता है एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप कौन है फोटोन बोला, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, पैरामीटर क्या है जिस पे डिपेंड कर रहा हूं, मतलब एक एग्जांपल दे दो, चलो एक एग्जांपल आपको दे दो, एक एग्जांपल दे दो, देखो वाओ कौन है वो, ऐसा अच्छा चांसेस कौन दे रहा है, देखो अरे शू, हाँ स्पीड किस पे डिपेंड करता है, स्पीड डिपेंड करता है वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड करता है, राइट। यहां पे एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, सोचो, अरे ये वेवलेंथ नहीं है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, बोला ना कांस्टेंट रहेगा, मतलब क्या है, ये फिक्स्ड रहेगा ना, फिक्स्ड रहने का मतलब क्या है, उस पे तो डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या रहेगा, न्यू। ओके, अब भी जरा इधर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएगा, तो आपको मैं जरा क्वेश्चन करता हूं, तो आप मेरे को बताओ रेड लाइट फोटोन ज्यादा एमिट कर सकता है कि वायलेट लाइट, सोचो, रेड लाइट फोटोन एमिट कर सकता है कि वायलेट, सोचो, और रीजन क्या है ये बोलो, अगर आंसर बोल रहे हो।
ओके वेरी गुड, आंसर बराबर है, वायलेट. नहीं, वायलेट है, पहले तो ये बराबर आंसर है. अभी इसका रीजन क्या है, वायलेट का वेवलेंथ इज लेस. वेवलेंथ लेस मतलब क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा. हम लोग नोटिस किया ना, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे. ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो एमिशन का चांस ज्यादा रहेगा. ओके, ये फर्स्ट लॉजिक समझा सबको, ठीक है. रेड लाइट पे ये डिपेंड नहीं करेगा, वायलेट पे क्या होएगा, वायलेट पे ज्यादा एमिशन होएगा. इसका ये रीजन लिख लो, क्यों होएगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ लेस है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. रेड लाइट में क्यों नहीं होएगा, इसका भी रीजन लिख लो. रेड लाइट में क्यों नहीं होएगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ इज मोर एंड फ्रीक्वेंसी इज लेस. बहुत कम, मतलब चांसेस क्या रहेगा, रेड लाइट का एमिशन होना कम रहेगा और वायलेट का होने का चांसेस ज्यादा, क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है. वो मैं आपको बाद में समझाता हूं, लेकिन पहले ये समझो चांसेस किसका ज्यादा है. वायलेट लाइट फोटोन एमिट करने, सॉरी इलेक्ट्रॉन एमिट करने का चांस किसका ज्यादा है, वायलेट का ज्यादा है. इसका और एक एक कंक्लूजन लिख सकते हो कि इसका जो एनर्जी रहेगा ये क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा. इसका एनर्जी क्या है, लेस. ये भी एक कंक्लूजन है, आपको जरा कंक्लूजन जरा अच्छे से करना पड़ेगा तो ये अच्छे से हो जाएगा. चल अभी यहां पे आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तो पहला फर्स्ट कंसेप्ट आपको समझा देता हूं. पहला कंसेप्ट तो सबसे सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, आपको लाइक लॉजिक के थ्रू भी समझेगा. मैं आपको क्वेश्चन करता हूं, चलो. अगर मैंने क्या किया, बहुत ज्यादा लाइट एमिट किया, तो चांसेस क्या है इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकालने का, ज्यादा की का. क्वेश्चन समझा सबको, देखो क्वेश्चन समझाता हूं. मैंने क्या किया, बहुत सारा लाइट एमिट किया, बहुत सारा लाइट एमिट किया तो चांसेस क्या है फोटॉन के एमिट होने का, ज्यादा. इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मतलब समझ रहे ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. फर्स्ट लॉजिक सबको समझा, इंटेंसिटी और इसका. अभी सेकेंड जो ग्राफ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अब ये सेकेंड ग्राफ में आपको दो कंसेप्ट आएगा. सेकेंड ग्राफ इस पे है हम लोग का, इधर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और आएगा इधर फ्रीक्वेंसी. अभी क्या होता है मालूम है क्या, जब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट करने पे अपने को क्या मालूम पड़ा कि मैं जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा नहीं बढ़ेगा, ये पहली चीज. दूसरा चीज आपको क्या समझ रहा है यहां पे ये ग्राफ से, कि ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद चालू होता है. मतलब इसके पहले क्या होएगा, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट एमिट नहीं होएगा. इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, मतलब रेड लाइट ऐसे समझो, रेड लाइट पे क्या होएगा, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं होएगा, एमिट नहीं होएगा. लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद क्या होएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होएंगे, एमिट होने स्टार्ट होएंगे. और ये ग्राफ कैसे रहेगा, कैसे रहेगा ग्राफ, यह ग्राफ याद है. देखो क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ना. मतलब ये क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है. मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से कम होते जा रहा है. ओके, ग्राफ को इंटरप्रेट करने को सिखाया था ना मैंने, तो वही हम लोग अभी यूज करने को सीखा बस. इधर क्या है, इधर कॉन्स्टेंट है, यहां पे क्या है, तो टाइम के हिसाब से कम होते जा रहे. ओके, तो ये जो है, ओके,
ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड का मतलब क्या है, ये रहेगा सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, रहेगा सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हम लोग को देना पड़ेगा जिससे क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होए। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का मैं नीचे डेफिनेशन लिखता हूं, सॉरी साइड पे लिखता हूं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम मेटल सरफेस। ओके, क्लियर है ये लॉजिक। मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी लगेगा जिससे क्या होएगा, फोटो एन इलेक्ट्रॉन क्या होएगा, एमिट होएगा। आई होप ये क्लियर हो सबको। ओके, अभी यहां पे एक और एक कंसेप्ट आता है, वो रहता है वर्क फंक्शन का। अभी ये वर्क फंक्शन क्या है, नहीं समझा, यहां तक सब लोगों ने लिख लिया? ओके, तो अभी ये वर्क फंक्शन का काम क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है इसको क्या करना, क्या करेगा, वर्क फंक्शन वापस इसको ला रहा है। मतलब ये इन शॉर्ट एक नेगेटिव एनर्जी जैसा काम कर रहा है, ये इन शॉर्ट क्या कर रहा है, एक नेगेटिव एनर्जी जैसा काम कर रहा है। ये मतलब वापस इसको क्या कर रहा है, स्टेबल करने का ट्राई कर रहा है। तो ये जो है वर्क फंक्शन, इसका एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, एच न्यू जीरो पे। एच न्यू जीरो का मतलब क्या है, ये न्यू जीरो रहेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मेटल, मतलब वो मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है वो। एच क्या रहेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये एनर्जी को क्या कर रहा है, नीचे के तरफ ला रहा है। लॉजिक समझा सबको? चलो, तो इसको आप लिखो वर्क फंक्शन, लिखना वर्क फंक्शन, और इसका काम क्या है, टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन बैक इनसाइड मेटल। ओके, तो अभी चल, अभी यहां से हम लोग को दो कंक्लूजन मिलता है। अगर हम लोग का एच न्यू मतलब फोटोन का एनर्जी अगर एच न्यू जीरो से ज्यादा होएगा तो क्या होएगा, कोई बता सकता है? एच न्यू मतलब फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से लेफ्ट साइड पे जो भी बना रहा हो ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है। राइट साइड में हम लोग जो भी बना रहे हैं ये क्या है, एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन, मतलब ये क्या है, वर्क फंक्शन। अगर हम लोग का एनर्जी ऑफ फोटोन किससे ज्यादा है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां के तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर के तरफ। सिंपल है ना, मतलब क्या है इसका, देखो यहां पे क्या हो रहा है, वो एनर्जी वर्क फंक्शन को क्या कर रहा है, ओवरकम कर रहा है। वर्क फंक्शन को ओवरकम कर रहा है मतलब क्या होएगा, ये जाएगा किधर, सरफेस की तरफ, ऐसा समझो। यहां पे क्या हो रहा है, ये वाले कंडीशन पे ये दोनों क्या है, जस्ट इक्वल है। जस्ट इक्वल का मतलब क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, उसका वेलोसिटी रहेगा जीरो। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टैटिक कंडीशन में। यहां पे क्या होएगा, लास्ट केस में बता सकते हो क्या होएगा, हिलेगा नहीं, नहीं, ये क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन वापस अंदर आएगा। मतलब यहां पे क्या रहेगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां पे क्या होएगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
यहां पे क्या रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहेगा। ओके, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है सबको? हेलो, कंसेप्ट क्लियर है सबको? ठीक है, अभी यहां पे देखो, ये दोनों क्या है, एनर्जीज है ना, ये दोनों क्या है, एनर्जी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस क्या करेंगे, वर्क फंक्शन। चलो वर्क फंक्शन, तो ये दोनों का डिफरेंस मेरे को क्या देगा, ये दोनों का डिफरेंस देगा मेरे को काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, एक वेलोसिटी के साथ बाहर जा रहा है। ये दोनों एनर्जीज का डिफरेंस मेरे को क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी। रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या रहेगा, एक डिफरेंस इन एनर्जी रहेगा, जिसके वो क्या होएगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कहा जाएगा बाहर के तरफ, मेटल से बाहर जाएगा। तो हम लोग फोटोन का एनर्जी लिखते हैं, फोटोन का एनर्जी क्या रहेगा, एच न्यू रहेगा। वर्क फंक्शन क्या रहेगा, एच न्यू नॉट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या कॉमन है दोनों में, एच कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट आएगा। अभी ये जो एनर्जी है इसको और एक एक फॉर्म में लिखते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अभी के लिए वो टॉपिक जब आएगा फिजिक्स में तभी करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं अभी सबका मतलब समझाता हूं, तो ये लिख लिया कंडीशन सब लोग ने लिख लिया, ऊपर का मैं रब कर रहा हूं ताकि मैं इधर एक डायग्राम के थ्रू समझा देता, डायग्राम ऑलरेडी बना है तो वो समझ, वो एनर्जी सब बना। ठीक है, तो अभी मैं इधर सब वैल्यूज एक एक करके लिखता हूं। ये जो स्मॉल ई है, यहाँ पे जो स्मॉल ई है, ये हम लोग को क्या बता रहा है, ये स्मॉल ई बता रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलोम। ये E क्या बता रहा है, ये E बता रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग कुछ वोल्टेज देते हैं, जैसे कि 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट्स रहेगा। और ये दोनों का जो कंबाइंड रहेगा, ओके, ये दोनों का जो कंबाइंड रहेगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलते हैं। वर्क डन का यूनिट क्या रहेगा, जूल रहेगा। सबका ध्यान इधर है, सब लोग इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो। देखो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस मतलब का, पहला पोटेंशियल डिफरेंस कैसा समझो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर मैंने क्या अज्यूम किया, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने यूनिट नेगेटिव चार्ज लिया, तो कौन आएगा। ओके, ये लॉजिक समझा। देखो वोल्टेज का डेफिनेशन क्या बोलता है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो हम लोग ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन के बदले हम लोग यूनिट नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वर्क डन क्या होएगा, वर्क डन रहेगा E इंटू वी रहेगा। और ये जो वर्क रहेगा, देखो अगर हम लोग प्रोटॉन लेते थे तो हम लोग का वोल्टेज क्या आता था, पॉजिटिव आता था, मतलब वर्क डन क्या आता था, पॉजिटिव आता था। यहां पे आप क्या ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन ले रहे हो ना, तो वर्क डन कैसे रहेगा, वर्क डन रहेगा नेगेटिव। ओके, ये समझा सबको, ये E इंटू वी क्या रहता है करके, ये वर्क क्यों आया, समझा सबको लॉजिक। हेलो, लॉजिक समझा क्या। हाँ देखो, वोल्टेज का डेफिनेशन क्या है, वोल्टेज इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये डेफिनेशन। तो हम लोग ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बदले क्या लेंगे, यूनिट नेगेटिव चार्ज लेंगे। तो नेगेटिव चार्ज लेने से क्या होएगा, वोल्टेज नेगेटिव होएगा,
वोल्टेज नेगेटिव लेने से, सॉरी वोल्टेज पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, इससे ये वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो हम लोग का जो ये इलेक्ट्रॉन जो वर्क डन कर रहा है ये कैसे टाइप का वर्क है, नेगेटिव वर्क। लेकिन मेन लॉजिक क्या है, जब हम लोग चार्ज को वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। चलो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, एच। एच का मतलब क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू रहता है 6.63 × 10⁻³⁴। न्यू क्या रहेगा, न्यू रहेगा फ्रीक्वेंसी। न्यू जीरो क्या रहेगा, न्यू जीरो रहेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी ये फाइ जीरो, ओके, अभी फाइ जीरो क्या रहता है, फाइ जीरो रहता है वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला इज एच न्यू। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो। तो हम लोग का जो भी पार्टिकल नेचर का जो भी फिनोमिना है हम लोग ने पूरा कंप्लीट किया है। अभी हम लोग, हाँ बोलो ना, मैंने फ्रीक्वेंसी क्या बोला, मेरे को भी याद नहीं क्या बोला मैंने, अच्छा ये इसको हम लोग फाइव जीरो पाई या फिर साई कुछ भी बोलने का बोलो, हम लोग सिंबल से मतलब नहीं, हम लोग सिर्फ ये से लिखते हैं। मतलब आपको कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे देगा एच न्यू माइनस फाई नॉट, तो आपको फाई नॉट क्या समझ में आना चाहिए, क्या रहता हो वर्क फंक्शन, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। और सॉरी मैंने ई लिखना, यहाँ पे आप वी लिखो, यहाँ पे आप वी लिखना, वो फॉर्मूला चेंज कर दो। और ये ई हम लोगों को क्या बताएगा, ई हम लोगों को बताता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जरा लिखना, जरा वो फॉर्मूला में चेंज करना है।